नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारी पनीर टिक्की रेसिपी के वीडियो में एक दर्शक प्रज्ञा पांडे जी ने हमसे शादी वाले छोले की रेसिपी पूछी थी, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मोटा वाला काबुली चना रात भर पानी में भीगा हुआ, 2 बड़े प्याज छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 कप टमाटर प्यूरी, 2 चम्मच पिसा हुआ अनार दाना, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच चना मसाला, 2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 2 तेज पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 चुटकी आंवले का पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल। अब ये चना मसाला बनाने के लिए रात भर भीगे हुए चनों का पानी निकालकर एक प्रेशर कुकर में चने डालिए और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। फिर एक सूती कपड़े में दालचीनी, तेज पत्ते, हरी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग बांधकर पोटली बनाकर चनों में डाल दीजिए और फिर चने डूब जाएं इतना पानी डालकर कुकर बंद करके तेज आंच पर 1 सीटी लगा लीजिए। अब आंच थोड़ी कम करके मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक छोले उबाल लीजिए और आंच से उतार लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर जीरा तड़का लीजिए और फिर कटे हुए प्याज, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर कम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। फिर इसमें टमाटर प्यूरी डालिए और कम आंच पर तब तक पकाइए जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहिए जिससे ये कढ़ाई में चिपके नहीं। अब इसमें उबले हुए चने और बचे हुए सारे मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाइए और कम आंच पर करीब 10 मिनट पकने दीजिए। अगर जरूरत हो तो इसमें थोड़ा सा छोले का उबला हुआ पानी भी मिला सकते हैं। इस तरह बहुत ही बढ़िया खुशबू और स्वाद वाला हलवाई वाला चना मसाला बनकर तैयार है। इसे प्याज के लच्छों, हरी मिर्च और बारीक कटे हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कीजिए। दोस्तों, आज ही मजेदार चना मसाला रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।